नमस्कार, मैं दिव्या धराधर। 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश के अब तक के प्रमुख खबरों को। बिहार के शिक्षा मंत्री ने नालंदा यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में रामचरितमानस को नफरत फैलाने वाला ग्रंथ बताया है। उनके इस बयान पर जहां विपक्ष के तमाम नेता हमलावर हैं, वहीं धर्मगुरु भी उनके खिलाफ उतर गए हैं। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे से लेकर उन पर राजद्रोह का केस दर्ज करने की मांग की जा रही है। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री ने इस पूरे मामले पर दो लाइन में कह दिया है कि वह इस बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। भारत की सबसे लंबी दूरी की ट्रेन विवेक एक्सप्रेस को लेकर एक बड़ा अपडेट आया है। भारतीय रेल ने इस ट्रेन को दो दिन और चलाने का फैसला किया है। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे ने उत्तर पूर्व भारत को दक्षिण भारत से जोड़ने वाले इस ट्रेन को अब हफ्ते में चार दिन चलाने की घोषणा की है। यह ट्रेन असम के डिब्रूगढ़ से चालू होकर तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक पहुंचती है। इस बीच ये ट्रेन नौ राज्यों से होकर गुजरती है और 4189 किलोमीटर की दूरी तय करती है। एक बार फिर उपेंद्र कुशवाहा के अरमानों पर पानी फिर गया। पिछले कुछ दिनों से बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार और उपेंद्र कुशवाहा के डिप्टी सीएम बनने की चर्चा जोर शोर से सियासी हलकों में थी, जिस पर अब विराम लग गया है। बुधवार को बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने साफ शब्दों में उपेंद्र कुशवाहा को उप मुख्यमंत्री बनने की बात को नकार दिया है। इसके साथ ही सीएम नीतीश कुमार ने यह भी कहा है कि अगर मंत्रिमंडल का विस्तार होता है तो उसमें जदयू की तरफ से कोई मंत्री नहीं बनाए जाएंगे। सूर्य कुमार यादव इस समय T20 इंटरनेशनल रैंकिंग के टॉप पर हैं और वो ऑल टाइम हाई रैंकिंग पॉइंट्स का रिकॉर्ड तोड़ने के बेहद करीब हैं। टीम इंडिया का ये विस्फोटक बल्लेबाज ICC T20 रैंकिंग में वर्तमान में 908 पॉइंट के साथ टॉप पर बना हुआ है। इससे पहले सूर्य कुमार यादव के रैंकिंग पॉइंट्स 883 थे। श्रीलंका के खिलाफ खेले गए सीरीज के बाद उनके पॉइंट्स में 25 अंकों का इजाफा हुआ है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दिनों समाधान यात्रा पर हैं। इस सिलसिले में आज दरभंगा पहुंचे, जहां तारा मंडल का उद्घाटन, सोलर प्लाटरिंग का निरीक्षण के अलावा कई गांवों का दौरा किया, वहां के लोगों की समस्याएं सुनी। इन चीजों को लेकर जिला प्रशासन की ओर से सारी तैयारियां की गई थी। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए थे। आर्थिक, सामाजिक और शासन के संचालन के मामले में महाराष्ट्र पहले पायदान पर है, जबकि गुजरात और तमिलनाडु क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर है। साख निर्धारित करने वाली और शोध कंपनी केयर एज ने राज्यों की समग्र रैंकिंग में निष्कर्ष निकाला है। रैंकिंग तैयार करते समय बुनियादी ढांचे की स्थिति, वित्तीय समावेशन, राजकोषीय प्रबंध और पर्यावरण पर भी गौर किया गया है। कुल मिलाकर राजकाज के स्तर पर उत्तर प्रदेश तीसरे स्थान पर है और इस मामले में आंध्र प्रदेश के साथ तेलंगाना से पीछे है। राजद के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी ने कहा है कि बिहार में अभी हो रही जाति आधारित जनगणना पर वही लोग सवाल उठा रहे हैं जो कम संख्या में है और बड़े संसाधन पर कब्जा जमाए हुए हैं। उन्होंने कहा है कि RSS जिस तबके का प्रतिनिधित्व करता है वह काफी छोटा है, लेकिन देश के बड़े संसाधन पर उसका कब्जा है। RSS को लग रहा है कि जनगणना से वे लोग एक्सपोज हो जाएंगे, इसलिए भाजपा भी इसका विरोध में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट कमेटी ने रुपए डेबिट कार्ड और कम मूल्य वाले भीम UPI लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए 2600 करोड़ रुपए की योजना को बुधवार के दिन मंजूरी दे दी है। विदेश में रहने वाले परिवारों और स्थानीय व्यवसायों को मदद मिलेगी। योजना के अंतर्गत बैंकों को रुपए और UPI का उपयोग करने और लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। कड़ी मेहनत के बल पर भागलपुर में बरहपुरा निवासी रहमतुल्ला और शाहरुख ने बिहार टीम में जगह बनाने में सफल रहे। रणजी विजय हजारे व सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में उन्होंने अपनी जगह बनाई। तीनों फॉर्मेट में खेलकर भागलपुर का नाम रोशन किया। रहमतुल्ला ने कहा है कि युवा क्रिकेटरों को आगे बढ़ने के लिए प्रयास कर रहे हैं। रहमतुल्ला इससे पहले जिला स्तर पर कई बड़ी क्रिकेट प्रतियोगिता में भाग ले चुके हैं और सफल भी रहे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन अपना अंतिम पूर्ण बजट 1 फरवरी को पेश करने जा रही हैं। इसमें वह रेलवे बजट को लेकर भी कई बड़े ऐलान कर सकती हैं, क्योंकि भारतीय रेलवे को इस बजट में सरकार से उम्मीदें हैं कि सरकार बजट में रेलवे को एलोकेशन को बढ़ा सकती है। साल 2022 में रेलवे ने देश की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत ट्रेन का विस्तार काफी तेजी से किया है। वहीं आगे भी इसे लेकर रेलवे ने कई सारी योजनाओं का ऐलान किया है। भारतीय शेयर बाजार पिछले दो सत्र में लगातार गिरावट झेलने के बाद आज बढ़त बनाने के मूड में दिख रहा है। ग्लोबल मार्केट में आई तेजी का घरेलू निवेशकों के सेंटिमेंट पर भी पॉजिटिव असर पड़ने का अनुमान है, जिससे वे खरीदारी की तरफ जा सकते हैं। पिछले दो सत्र में सेंसेक्स गिरकर 60,000 के करीब आ गया है। साल 2024 में होने वाले आम चुनावों से पहले आगामी बजट मौजूदा सरकार का आखिरी पूर्ण बजट होगा। ऐसे में यह बजट अधिक ग्रामीण और बुनियादी ढांचा केंद्रित होगा। UBS इंडिया की अर्थशास्त्री तन्वी गुप्ता जैन ने बुधवार को कहा कि वर्ष 2024 के मध्य में देश में आम चुनाव होने जा रहे हैं। आगामी बजट से ग्रामीण या कृषि खर्च में $10 अरब की वृद्धि होने की संभावना है।
जो वित्त वर्ष में 2022-23 की तुलना में 15% अधिक होगा। यह चालू वित्त वर्ष में सार्वजनिक पूंजीगत व्यय में 20% की वृद्धि को दोहरे अंक में बनाए रखेगा। मोदी 2.0 कैबिनेट का 31 जनवरी को बजट सत्र शुरू होने से पहले मंत्रिमंडल में बदलाव की संभावनाएं जताई जा रही हैं। चर्चा तो ये भी है कि भाजपा पार्टी संगठन में भी बड़ा बदलाव कर सकती है। दरअसल इस साल के विधानसभा चुनावों और अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की तैयारियों में जुटी है। वहीं दूसरी ओर इसी महीने केंद्रीय मंत्रिपरिषद में बड़ा फेरबदल की अटकलें भी लगाई जा रही हैं। वर्तमान मंत्रियों के रिपोर्ट कार्ड और भाजपा की राजनीतिक जरूरतों के हिसाब से यह बदलाव होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को 2 दिवसीय वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे, जिसकी थीम वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ मानव केंद्रित विकास है। भारत द्वारा 12 और 13 जनवरी को आयोजित होने वाले वर्चुअल सम्मेलन में 120 से अधिक देश भाग लेंगे। विदेश सचिव विनय क्वात्रा ने बीते हफ्ते पत्रकारों से कहा था कि सम्मेलन का विषय आवाज की एकता और उद्देश्य की एकता होगा। विश्व बैंक ने कहा कि भारत की आर्थिक वृद्धि दर 2023-24 में घटकर 6.6% रह जाएगी। इसके बावजूद भारत 7 सबसे बड़े उभरते बाजारों और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में सर्वाधिक तेजी से बढ़ता अर्थव्यवस्था बना रहेगा। विश्व बैंक ने ताजा अनुमान में कहा कि चालू वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था 6.9% की रफ्तार से आगे बढ़ेगी। 2021-22 में यह 8.7% रही थी। बयान के मुताबिक वैश्विक अर्थव्यवस्था में अनिश्चितता का निर्यात एवं निवेश पर असर पड़ेगा। पाकिस्तान की परमाणु शक्ति को लेकर भारत अक्सर चिंता जताता रहा है, अब वही डर सच साबित होता नजर आ रहा है। लंदन के हिथ्रो एयरपोर्ट पर 29 दिसंबर को भारी मात्रा में यूरेनियम पदार्थ पकड़ा गया है। यह यूरेनियम परमाणु बम बनाने में सबसे ज्यादा काम आता है। चौंकाने वाली बात यह है कि यूरेनियम से भरे जिस पैकेज को पकड़ा गया है वह पाकिस्तान से ब्रिटेन बेस्ड ईरानी फर्म के कुछ लोगों के पास भेजा गया था। विश्व में कोविड की चौथी लहर के प्रसार को ध्यान में रखते हुए भारत इसके रोकथाम के लिए पूरी तरह से तैयारी कर रहा है। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि हम हर बंदरगाह को ट्रेस कर रहे हैं। अब तक 8,700 फ्लाइट्स को ट्रेस किया जा चुका है। 15 लाख से अधिक यात्रियों का पता लगाया गया है और उनमें से 200 से अधिक यात्रियों को कोविड पॉजिटिव पाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को अपने इजरायली समकक्ष बेंजामिन नेतन्याहू से बात की। दोनों नेताओं ने विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय रणनीतिक सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति जताई। मोदी ने नेतन्याहू को 6वीं बार प्रधानमंत्री बनने की बधाई दी और उन्हें भारत आने के लिए आमंत्रित किया। लगभग 2 सप्ताह पहले उन्होंने 6ठे कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। हरियाणा के अम्बाला एयरफोर्स स्टेशन की सुरक्षा व्यवस्था में सेंध लगाने की कोशिश का बड़ा मामला सामने आया है। एक संदिग्ध व्यक्ति ने एयरफोर्स स्टेशन में घुसने की कोशिश की, जिसकी भनक लगते ही एयरफोर्स की पेट्रोलिंग टीम ने घुसपैठ करने वाले व्यक्ति को काबू में कर लिया। एयरफोर्स पुलिस ने प्रारंभिक पूछताछ के बाद आरोपी रामू को पुलिस के हवाले कर दिया। आरोपी के खिलाफ इंडियन सीक्रेट एक्ट सहित आईपीसी की कई धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने बुधवार को बेंगलुरु में कहा कि इसरो ने अगले 3 महीनों में 3 प्रमुख रॉकेट प्रक्षेपित करने की योजना बनाई है। उन्होंने बताया कि इन रॉकेट में छोटे उपग्रह प्रक्षेपण यान Mark 3 और ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान शामिल हैं। गगनयान के प्रक्षेपण के बारे में सोमनाथ ने कहा कि गगनयान का उड़ान परीक्षण अप्रैल या मई महीने में किया जा सकता है। बजट से पहले टैक्स कलेक्शन के मामले में सरकार द्वारा टैक्स पेयर्स दोनों को खुश करने वाली खबर है। देश का सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह मौजूदा वित्त वर्ष में 2022-23 में करीब 25% बढ़ गया है। 10 जनवरी तक के आंकड़ों के अनुसार टैक्स कलेक्शन 24.58% बढ़कर 14.71 लाख करोड़ रुपए हो गए हैं। रिफंड के बाद नेट टैक्स कलेक्शन 12.31 लाख करोड़ रुपए रहा। यह पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि से 19.55% ज्यादा है। देश की सबसे बड़ी दूध सप्लाई करने वाली कंपनी अमूल गुजरात के बाद मध्य प्रदेश में अपना कारोबार फैलाने की तैयारी में है। इन्वेस्टर समिट में कंपनी ने 400 करोड़ के निवेश की पेशकश की है। कंपनी उज्जैन के पास एक प्लांट लगाना चाहती है। इसके बाद दूध का उत्पादन अमूल मध्य प्रदेश से ही कर सकेगी। अडानी ग्रुप देश के अलग अलग राज्यों में अपना कारोबार फैला रहे हैं। इस बीच अब एक और राज्य में अडानी ग्रुप बड़ा निवेश करने जा रही है। गौतम अडानी की कंपनी यहां 60,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। यह निवेश अलग अलग सेक्टरों में की जाएगी। एनर्जी टू पोर्ट ग्रुप यहां पर एनर्जी, एग्रीकल्चर, रिन्यूएबल एनर्जी और कोल सेक्टर्स में निवेश करेगी। विदेशी ब्रोकरेज फर्म क्रेडिट स्विस ने एक रिपोर्ट में कहा है कि 2023 में वैश्विक स्तर पर विकास संबंधी चिंताओं के तेज होने के साथ देश की
वृहद आर्थिक स्थिरता और अच्छी तरह से नियंत्रित मुद्रास्फीति को देखते हुए भारत का विकास रुझान लचीला रह सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2023 में दिखने वाला प्रमुख रुझान क्रेडिट विकास, इक्विटी प्रवाह और ठोस कॉरपोरेट कमाई की गति की स्थिरता है, जो 2022 में भारत के बेहतर प्रदर्शन के प्रमुख कारक थे। कहते हैं किसी भी देश का भविष्य उस देश के युवाओं के हाथ में होता है। भारत के युवाओं को मजबूत और आत्मनिर्भर बनाने के लिए अडानी स्किल डेवलपमेंट सेंटर काम कर रहा है। इस सेंटर की ओर से एक प्रोग्राम चलाया जाता है जिसका नाम है सक्षम। सक्षम के अंतर्गत युवा 75 से अधिक कोर्स में से कोई एक कोर्स चुनकर अपनी जिंदगी को आत्मनिर्भर बना सकते हैं। केंद्र सरकार की इंटीग्रेटेड फूड सिक्योरिटी स्कीम को अब प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तौर पर जाना जाएगा। इस योजना के तहत 1 जनवरी से 80 करोड़ गरीब लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। केंद्र सरकार ने यह कदम एक अन्य राशन योजना PMGKY के तहत राशन वितरण को बंद करने को लेकर हो रही विपक्षी आलोचनाओं के मद्देनजर लिया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अब एशिया कप की मेजबानी छीनने का डर सता रहा है। यही वजह है कि PCB अध्यक्ष नजम सेठी को इन दिनों भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सचिव जयशाह से मिलने के लिए तलब लग रही है। दरअसल नजम सेठी को इसी साल होने वाले एशियाई कप की मेजबानी को लेकर बात करनी है। पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 की शुरुआत बुधवार को रंगारंग कार्यक्रम से हुई। कटक के बाराबती स्टेडियम में ओपनिंग सेरेमनी हुई है। आयोजन में ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और देश के खेल मंत्री अनुराग ठाकुर शामिल रहे। साथ ही ओपनिंग सेरेमनी में बॉलीवुड हस्तियों में रणवीर सिंह और दिशा पटानी ने परफॉर्म किया। दुनिया के कम विकसित गरीब व ग्लोबल साउथ को एक साथ एकत्रित करने के लिए भारत ने वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ के नाम से एक वर्चुअल बैठक का आयोजन किया है और इसमें हिस्सा लेने के लिए 120 देशों को आमंत्रित किया है। ग्लोबल साउथ के प्रमुखों की शिखर बैठक में पीएम मोदी ने भाषण दिया। हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है राजकिशोर कुमार, एलेक्स राहुल ऑफिशियल, असरफी मंडल, निक्की कुमारी, MD नौसाद रजा, मुतु रंगीला, नुन्नू गोलू कुमार, MD शाकिर हुसैन, संजय चौधरी, कृतज्ञ कुमार, धनवीर भक्त, अभिनेश कुमार, रंजित कुमार, राकेश कुमार, कुशलेंद्र कुमार सिन्हा, भावेश चौधरी, विनित कुमार, रंजीत कुमार झा, MD इंतजार आलम, अनवर करीम खान। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, बिहार के शिक्षा मंत्री के दिए गए बयान से मचे बवाल पर आप क्या कहना चाहेंगे? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।